अगर इसमें से कोई बात अगर आपको गलत लगती है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और लेकिन ये रियल फैक्ट है, मैं इसमें कोई भी गलत बात नहीं की है। और इसमें जो भी है बिल के साथ मैं आपको वीडियो के एंड में सब अपना जो खर्चा है और जो अपने को बाजार समिति से जो मिला हुआ पैसा है उसका मैं पर्ची बिल जो होता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में डाल रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ श्रीकांत सप्ते। आप सभी लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टेंशन मत लो, अच्छे से रहो, मज़े में रहो, स्वस्थ रहो। आज है मंगलवार, तो आज हमारे यहाँ पे सुबह से ही बारिश चालू हुआ है। ज़्यादा बड़ी तो बारिश नहीं है, लेकिन सुबह से थोड़ा लगातार बारिश गिर रही है। उसके वजह से मौसम भी थोड़ा ठंडा हुआ है, हवा भी आ रही है ठंडी, तो उस कारण ये गरम गरम का कपड़ा मैंने आज पहना है। तो आज मैं एक अपने जो किसान, इंडियन किसान, हमारे फैमिली के बारे में, मतलब जो ये 3-3.5 महीनों में जो हमने खेती में जो अपना समय डाला है और उसमें जो अपना जो खर्चा हुआ है उस बारे में मैं बात करूँगा। जो इंडियन फार्मर की जो कंडीशन है, बैड कंडीशन है, ये कंडीशन आने का जो कारण है वो जो ख़राब मौसम है। बारिश गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा बारिश गिर रहा है, कभी कम हो रहा है, बीच में रुक जाता है, 20-25 दिन बारिश ही नहीं हो रही है, और एक बार चालू हो गई तो कंटिन्यूसली 4-5 दिन लगातार बारिश हो रही है के वजह से जो अपनी खेती जो ख़राब हो रही है और जो किसान को जो नुकसान हो रहा है उस बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। और वो रियल बात है, जो हमने 3-3.5 महीनों में जो उड़द का जो खेती किया था, उड़द का खेती, मूंग का खेती, जो खेती का जो हमने खेती में जो हमने समय डाला था उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, आगे वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लगे रहो। जो इंडियन फार्मर, जो इंडिया भारत का जो किसान है, उसकी जो मौसम के वजह से जो स्थिति बनती है, मौसम के कारण जो ख़राब मौसम आता है हमारे भारतवर्ष में, हर जगह पे, हर देशों में मौसम की स्थिति खराब रहती है, कभी अच्छी होती है। तो उसी कारण जो मौसम की वजह से जो किसान का जो नुकसान होता है उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे आज की जो हर बार ऐसी स्थिति नहीं होती है, कभी अच्छा मौसम होता है तो अच्छी फसल होती है, अच्छा पैसा किसान को मिलता है, लेकिन इस साल थोड़ा बारिश का मौसम इतना ख़राब है कि जैसे किसान को जो फसल को अपनी जो बारिश चाहिए उस तरीके से बारिश नहीं हो रही है और फसल ख़राब हो रही है और उसका बहुत ज़्यादा असर खेती पे पड़ रहा है। तो सो फ्रेंड, आज हम इसी टॉपिक के बारे में, हम जो किसान की जो लागत होती है, जो लागत का जो खर्चा होता है और ये जो 3-4 महीने का जो फसल होती है उसके बाद जो फसल से जो आया हुआ जो फसल है वो बेचने के बाद जो मिला हुआ जो पैसा है वो कितना मिलता है और खर्चा कितना किया है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड, बीच बीच में ग्राहक आते हैं तो उस कारण मुझे थोड़ा बीच में स्टॉप करना पड़ता है और उसके बाद फिर कंटिन्यू करना पड़ता है। इसके वजह से नए वीडियो का क्लिप ज्वाइन करना पड़ता है। तो सो फ्रेंड, आज मैंने आपको शुरुआत में ही मैंने बताया कि आपको और 2-3 मैंने वीडियो भी हमारी जो खेती का जो काम चल रहा था उस बारे में मैंने डाला था कि हमारी उड़द का खेती का कैसे चल रहा है, कैसा है उसकी फसल हम निकाल रहे हैं। तो हम किसान के बारे में बात कर रहे थे, तो जो अपनी जो किसान की जो फसल है, जो मैंने लास्ट के जो 2-3 वीडियो हमारी जो खेती के बारे में मैंने जो डाले हैं तो उसमें हमने बताया कि उड़द की खेती का कैसे हमारा काम चल रहा है। वो सब हो जाने के बाद वो खेती से हम लेके आए, फिर उसकी सफाई किए और फिर उसको बाजार में हमने भेज दिया। तो उसका जो अपने को जो पैसा आया है उसी के बारे में और जो किसान की जो हालत है,
एक साल कभी अच्छा होता है किसान के लिए, तो 2 साल खराब हो जाते हैं। तो ऐसी ये जो स्थिति है, ये स्थिति का मुख्य जो कारण है वो मौसम है। मतलब जो बारिश का जो बदलाव है, कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है, उसी कारण है किसान का जो फसल से जो मिलने वाला जो पैसा है वो बहुत सारा, जितना खर्चा होता है उससे जितना ज़्यादा खर्चा होता है उससे बहुत ही कम पैसा उसको वो सब बेचने के बाद मिलता है। तो ऐसी स्थिति आज के किसानों की है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लगे रहो, ऐसे ही हम बातचीत आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड, अभी हम बात करेंगे और जो ये जो खर्चे का जो कैलकुलेशन है, इसका मैं एक फ़ोटो लास्ट में आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा, वो आप चेक भी कर सकते हो। और जो अपने को बाज़ार से जो मिला हुआ जो पर्ची है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है, उसका भी मैं फ़ोटो लास्ट में वीडियो के एंड में तो मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो ये जो अपना हमने उड़द का खेती किया था, तो हमारा 1 एकड़ का जो क्षेत्र है, उस 1 एकड़ के क्षेत्र का हम कैलकुलेशन करके आज हमको हम आपको बता रहे। तो खेती का जो अपना शुरुआत से जो खर्चा हुआ है, इस बार हमने मतलब 2 साल पहले हमने जुताई की थी खेती की, तो इस साल के लिए हमने जुताई नहीं की थी। जुताई मतलब जो एक मराठी में उसको नांगरटी बोलते, तो वो नांगरटी हमने इस साल नहीं की थी। तो अपना जो ट्रैक्टर का खर्चा है, जो फसल कोई भी फसल करने से पहले या बीज डालने से पहले हमको जो ट्रैक्टर से जो खेत की जो सफाई करनी पड़ती है, तो उसका खर्चा अपना 2,200 आया है। और जो बीज उड़द का जो बीज होता है वो डालने के लिए खेती में, उसका खर्चा आया है 2,400। तो ऐसा पकड़ के अपना 4,600 ऐसा खर्चा आया हुआ है, तो वो करना पड़ता है। उसका खर्चा 2,200 और बीज डालने के लिए जो ट्रैक्टर का जो मेहनत होता है तो वो 2,400। तो ऐसा टोटल खर्चा 4,600 आया है। तो ये ऐसा पर्ची ये मैं आपको लास्ट में वीडियो में मैं ये सब डाल दूँगा। ये जो टोटल खेती का खर्चा है, इसका फोटो निकाल के मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। और जो अपने को बाज़ार से जो मिला हुआ पर्ची है, जो बिल है, उसका भी फोटो मैं आपको डाल दूंगा। मतलब टोटल हमारा जो खर्चा है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अपना ट्रैक्टर का टोटल खर्चा 4,600 आया है। उसके बाद जो उड़द का बीज अपने को लगाए हो, 13 किलो लगा है, तो वो 70 रुपीज़ से हमने लिया था, उसका 910 रुपया होता है। और यूरिया मतलब फसल अच्छी आने के लिए हमने यूरिया यूज़ किया था, तो उसका खर्चा है 270 रुपया। और ख़राब बारिश की वजह से, मतलब कंटिन्यूसली बीच में बारिश हो रही थी, 8-10 दिन बारिश ही हो रही थी, जो बीज डालने के बाद जो 20-25 दिन बारिश ही नहीं हो रही थी, तो उसके बाद जो बारिश आई, फिर 8 से 10 दिन बारिश रुकी नहीं। ज़्यादा बड़ी बारिश नहीं थी, छोटी बारिश थी, लेकिन उसके कारण जो भी जो फसल अच्छी आनी चाहिए थी वो फसल अच्छी आई नहीं। तो उसी कारण फिर अपने को दवाई जो औषधि होती है और टॉनिक उस पर मारना पड़ा अपने को पंप से। तो उसका अपने को खर्चा आया है दवाई का 800 रुपये। और ये सब हो जाने के बाद जो हमने जो उड़द का जो अपना खेती कंप्लीट होने के बाद जो हमने उसको निकाला, तो उस जगह पे अपने को एक मजूर हमने लिया था, उसका 200 रुपये एक दिन का। बाकी अपने घर की जो लोगों की जो मेहनत है, मेरे मम्मी और पापा और मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए गया था। मतलब 5-6 घंटा में कंटिन्यूसली काम किया है 2 दिन, और मेरे पिताजी और मम्मी तो ये 3 से 4 दिन कंटिन्यूसली काम कर रहे थे। तो ऐसा हमारा उसका खर्चा मैं अलग से जोड़ने वाला हूँ। और सिर्फ हमारा एक मजूर हमने लिया था, उसका सिर्फ मैं 200 रुपये पकड़ रहा। तो ट्रैक्टर का खर्चा, उड़द का बीज का खर्चा, यूरिया टॉनिक दवाई और ट्रैक्टर का हलर का जो खर्चा होता है, जो
हमारा बीज हमने घर पे लेके आए, उसको सफाई किया, फिर उसको ट्रैक्टर से भी सफाई करके अच्छे से हो एक उसको बीज निकालना पड़ता है। तो वो निकालने के लिए जो हालर जो ट्रैक्टर के साथ रहता है उसका खर्चा अपना टोटल 700 रुपये आए। तो ऐसा टोटल खर्चा अपना 7,280 रुपये हुआ है। तो इसमें मैंने घर के लोगों का कैलकुलेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ, घर के लोगों की मजदूरी। तो ये टोटल 3 से 3.5 महीने का हमारा जो फसल थी, इसका सिर्फ हम दो लोगों का 3 दिन के लिए, मतलब टोटल 3 से 3.5 महीना पूरा फसल कंप्लीट होने तक हम सिर्फ 3 दिन पकड़ रहे और दो लोगों का। तो ऐसे और उसका भी पैसा मैं ज़्यादा नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक आदमी का 200 रुपये। जो मजदूर लेडीज़ होती है वो लेडीज़ मजदूर 200 रुपये लेती है, तो उसमें मेरे पिताजी का भी मैंने 200 रुपये ही पकड़ा है। तो ऐसे 3 दिन के लिए 400 रुपये, मतलब दो लोगों का 200 200 करके 400। तो ऐसे मैंने सिर्फ 1200 रुपये घर के लोगों की मेहनत 3.5 महीने में जो 5-6 दिन उन्होंने काम किया है तो भी मैंने सिर्फ 3 दिन का पकड़ा है। तो उसका सिर्फ मैं 1200 रुपये पकड़ रहा हूँ, 200 रुपये एक मजदूर के हिसाब से। तो ये अपना टोटल खर्चा हुआ है 8,480 रुपये टोटल। इसमें अपनी घर की भी लोगों की मजदूरी मैंने पकड़ी है, लेकिन वो पकड़ी है एक कैलकुलेशन के लिए। तो ये अपना हो गए 8,480 रुपये टोटल खर्चा मजदूरी के साथ। और हमने वो उड़द लाया, चौली लाया, मूंग निकालते समय तो बहुत काफ़ी मेहनत हुई है। वो मूंग का क्या होता है, मूंग आज निकालने के बाद जैसा वो काला जो शेंग होता है, काला जो शेंग हो जाता है, तो आज निकालेंगे तो फिर कल फिर से हो काला पड़ता है, तो फिर हो फिर से हो निकालना पड़ता है। तो वो पूरा निकालने के बाद डायरेक्टली उसको ट्रैक्टर से बना नहीं सकते हम, तो उसको ट्रैक्टर के मतलब मजदूर से ही करना पड़ता है। वो भी हमने टोटली काम घर पे ही किया है, तो उसका भी हमने कुछ भी नहीं पकड़ा है। तो ऐसा टोटल उड़द बेचने के बाद, उड़द, चौली ऐसे और मूंग, ये 3 आइटम हमने अपने खेती में किए थे। तो ये बेचने के बाद अपने को जो मिला हुआ पैसा है वो 6,876। ये टोटली रियल फैक्ट है। और इसका मैं बिल जो फल्टन बाजार समिति है उसका बिल मैं आपको लास्ट में वीडियो में मैं डाल दूंगा, वो आप देख सकते हो। मतलब अपने को खेती का जो खर्चा हुआ है वो 8,480 रुपये हुआ है, 8,480 रुपये खर्चा। और जो अपनी फसल में से इसमें से कुछ भी हमने रखा नहीं है। उड़द हमने टोटली बेचा है, मूंग सिर्फ हमने 5 से 10 किलो हमने घर पे रखा है, और चौली 5 से 10 किलो हमने घर पे रखा है। बाकी सब टोटली जो भी अपने को खेती से आया हुआ है वो टोटली हमने बेच दिया है। तो ये खर्चा अपना 8,480 रुपये हुआ है। और अपने को ये सब बेचने के बाद पैसा मिला है 6,876। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हो कि अपनी खर्चा अपना हो रहा है ज़्यादा, और उसमें से जो मिल रहा है अपने को, जो इनकम मिल रहा है वो टोटली बहुत कम है। और उसमें अपनी मजदूरी तो छोड़ ही दीजिए, अपनी मजदूरी एक किसान भाई खेती में फसल करने के बाद कहीं पे जा नहीं पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। ख़राब बारिश के वजह से, मतलब लगातार बारिश हो रही है तो कहीं पे वो जा नहीं पाता है, खेती का कुछ काम नहीं कर पाता है। और जब भी समय मिलता है तो उसको बहुत स्पीड से वो काम करना पड़ता है, तो वो अच्छे तरीके से बारिश की जो स्थिति है उस कारण ये खेती का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आपको मैंने टोटली बता दिया है, 8,480 रुपये खर्चा हुआ है, इनकम हुआ है 6,876। ये 3.5 महीना इसमें गया है। जून 20 जून को हमने बीज डाला था खेती में, तो उसके बाद अभी सितंबर आया है, सितंबर
सितंबर मंथ तक है, यही चल रहा है अपना। जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, सितंबर, मतलब 3 महीना अपना कंप्लीटली हुआ है। जो शुरुआत का जो काम है, खेती का जो सफाई का जो काम होता है, वो तो हम शुरुआत में ही थोड़ा कर लेते हैं, उसका मैंने समय नहीं गिना है। तो टोटली अपना 3 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें अपना टोटली लॉस हुआ है 1604। तो ये किसान भाइयों में इसमें कुछ गलत बात नहीं कर रहा हूँ कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये जो स्थिति हो रही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ऐसी स्थिति होती है। तो 2020 में हम यहाँ पे आए थे गाड़गेवाड़ी विलेज में, हमारा गांव है। तो 2020 में मौसम बहुत ही अच्छा था, फसल भी अच्छी आई थी, और जो फसल को जैसी बारिश चाहिए उस तरीके से बारिश हो रही थी, मतलब रुक रुक के जो एक एक हफ्ते में जो बारिश हुई थी। तो 2020 में फसल बहुत ही काफ़ी अच्छी हुई थी शुरुआत की, और बाद में तो बारिश का कुछ मतलब जो सेकेंड जो फसल होती है वो बारिश के जिसके पास पानी है, नहर का पानी है, तो वो वही ठीक से कर पाता है। नहीं तो यहाँ पे जो सेकेंड जो फसल होती है वो जवारी जवारी की होती है, लेकिन जवारी में थोड़ा जो फ़ायदा होता है, लेकिन 2020 में बारिश के कारण किसान भाइयों को ज़्यादा, तो किसान भाई कमाई नहीं पाते हैं। जितनी लागत है, क्या या खर्चा कितना होता है और इनकम कितनी होती है, उसका अगर परफेक्ट हम कैलकुलेशन करें अपने मजदूर के साथ, तो कुछ भी नहीं मिल पाता है। अगर वो खेती में क्या कर रहा है और उसके पास बीज कौन सा है, वो कौन सी खेती कर रहा है, और कोई किसान भाई अगर अच्छे तरीके से हो कर रहा है, अलग अलग तरीक़ों से उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसको एक नॉलेज हुआ है, वही किसान भाई ये खेती में से पैसा कमा रहा है। नहीं तो जो छोटे किसान भाई है उनको मतलब एक साल में कभी मौसम अच्छा रहा तो पैसा मिल जाता है, नहीं तो टोटली लॉस होता है। और अलग से जो किसान भाई अलग से अगर कहीं पे काम पे जाता है, उन लोगों का जो मजदूर लोगों का जो इनकम का सोर्स है वो बहुत काफ़ी अच्छा है। जिसके पास एकड़ दो एकड़ ज़मीन है उसका, उससे अच्छा जो मजदूर लोग हैं उनका स्थिति बहुत ही अच्छा है। तो मैं किसान भाई, मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि कभी मौसम ख़राब होता है तो उस साल में पूरा टोटली लॉस हो जाता है। जो किसान भाई है उससे अच्छा जो मजदूर है उसको, उसका इनकम का सोर्स अच्छा होता है, लेकिन जिस किसान के पास एकड़ दो एकड़ ज़मीन है और बारिश की थोड़ी किल्लत है, पानी का थोड़ी किल्लत है, बारिश हो रही है लेकिन ठीक से नहीं हो रही है, तो वो किसान भाइयों को बहुत काफ़ी नुकसान होता है। और ऐसे स्थिति में मैं ये आज का जो हमारे फैमिली के बारे में मैंने आज जो मेरे को जो पर्सनली जो नॉलेज हुई है खेती के रिलेटेड, वो मैंने आपसे शेयर की है। अगर इसमें से कोई बात अगर आपको गलत लगती है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, और लेकिन ये रियल फैक्ट है। मैं इसमें कोई भी गलत बात नहीं की है, और इसमें जो भी है बिल के साथ मैं आपको वीडियो के एंड में सब अपना जो खर्चा है और जो अपने को बाजार समिति से जो मिला हुआ पैसा है उसका मैं पर्ची बिल जो होता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। लेकिन एक यही एक ही बात मेरे को बोलनी है कि हर साल ऐसी स्थिति नहीं होती है, कभी किसान भाइयों का अच्छा भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो एवरेज हम देखें तो नुकसान ही एवरेज में ज़्यादा आता है और इनकम काफ़ी कम है। तो वही मैं आपको बताया है आज के वीडियो में किसान भाइयों को, और मेरे को जो आज ये 2 सालों में जो एक्सपीरियंस हुआ है, 2020 में फसल अच्छी थी, मौसम ठीक था, बारिश भी समय समय से हो रही थी, तो उसमें थोड़ा 2020 में अच्छा हुआ था, 2021 में ठीक था,
और 2022 में पूरा लॉस हो गया है। तो ऐसा अपना इंडियन किसान फार्मर का स्थिति है। जो रियल फैक्ट है वो बताने की मैंने आज यहाँ पे कोशिश की है। आज के वीडियो के बारे में आपको कुछ कमेंट करनी है, कुछ गलत बात लगती है तो आप कमेंट में मेरे को बताइए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और ऐसा अपनी किसान भाइयों की स्थिति है, इस बारे में मैंने आज वीडियो अपलोड किया है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, मतलब जब भी मैं नया वीडियो डालता हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो फ्रेंड, बाय फ्रेंड्स। Thank you.